सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोमनाथ की मारवाड़ी। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बढ़िया हो गए? अगर भी बढ़िया रहे। सो गाइस, माइनक्राफ्ट के एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज एपिसोड में तुम लोगों का स्वागत है। और इस बार हम लोग फिर मतलब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और पिछली बार हम लोग जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा करेंगे। मतलब अपने पिकेस पे फॉर्चून 3 का एन्चेंटमेंट लगा के वो जो नीचे जो 4 ब्लॉक का डायमंड ओर था उसको वो कलेक्टर के लेके आएंगे। देखेंगे कि कितना मुझे डायमंड मिल सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गो टू दी वीडियो। सो गाइस, पहले तो हम लोग फॉर्चून 3 को पहले लगा लेते हैं अपने पिकेक्स पर। मेरे पास एक फॉर्चून 3 का पिकेक्स पड़ा है जिसमें और कोई एन्चेंटमेंट नहीं है, और मेरे पास एक एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग 3 है मेयरनी का पिकेक्स है। उसमें हम लोग फॉर्चून 3 का एन्चेंटमेंट भी ऐड करने वाले हैं एनविल की मदद से, जो स्लो। चलो देखते हैं कितना एक्सपी लगता है। हम लोग को 17-18 एक लॉजिक है, पता नहीं 17 वाले से हम लोग जाएंगे। 17 वाले एपी मतलब एक ही एक्सपी हमारे तो बच जा रहे हैं, तो 9 एक्सपी बचा है। कोई बात नहीं, हम लोग एक्सपी फार्म से जाके बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास एक और पिकेक्स था जो सिल्क टच का पिकेक्स मेरा चेस्ट में पड़ा हुआ था, वो मैंने उसको नहीं लिया था। चलो वो पहले डायमंड ओर को ले जाते हैं। चलो फॉर्चून 3 से नहीं, फिर ये सिल्क टच से तोड़ के इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद ऊपर जाके तोड़ेंगे, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा जॉम भी वगैरह का खतरा है। नीचे तो एक के भी था, तो मैंने ओर को लेके आ गया। 4 ओर मिला है, मैंने ज़्यादा माइनिंग किया नहीं था, 5 से 5 मिनट माइनिंग किया था। उसमें मुझे एक डायमंड मिला। ओ भाई भाई, चलो 9 डायमंड मिला फाइनली। 4 डायमंड और से हम लोग वो तो 9 डायमंड मिला है, और मेरे पास कुछ डायमंड पहले से था तो 23 डायमंड हो चुका है। सो गाइस, फाइनली मैं फुल्ली डायमंड की कवर मतलब डायमंड आर्मर में कवर हो चुका हूँ। और इस बार हम लोग बनाने वाले हैं एक ऑल मॉब एक्सपी फार्म, मतलब जिस मॉब फार्म पे हर एक टाइप का मतलब जो मॉब होता है वो आके लेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैंने माइनक्राफ्ट से जितना भी वो जो स्ट्रिंग लेके आया था वो भी कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो माइन मतलब बनाने वाला वो ऑल मॉब फार्म, जिस उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत और सामान की ज़रूरत है। और लेकिन मैं सोच रहा था और स्ट्रिंग कहाँ पर मिले, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पास एक विलेजर डेड विलेजर का लोकेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग है। चलो लेट्स गो, हम लोग उस विलेज पर जाते हैं। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद इस विलेज में आया हूँ, और आया हूँ तो मैं जल्दी जल्दी कलेक्ट करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चलो जल्दी जल्दी सारे के सारे ले लेते हैं। और राइट गाइस, मैं सारा सामान को क्रैप करके लेके आ गया हूँ, और मैं जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ ए वाला जगह, जहाँ पर इधर आयरन फार्म और गोल्ड फार्म से बहुत ज़्यादा दूर, मतलब लगभग 100 ब्लॉक्स दूर होगा, क्योंकि उधर उधर बहुत ज़्यादा लैग करता है। दोनों एक बड़ा वाला फार्म है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा दूर ही बनाया जाए। और चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं हमारा कलेक्टिंग सिस्टम। एक डबल चेस आएगा, उसके पीछे 4 होपर आएगा। मतलब मैंने सारे के सारे सब काउंट करके ही बना के लेके आया हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बना के लेके आया हूँ। और मेरे पास ब्लॉक की बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक ज़्यादा है। चलो सोल कैंप फायर लगा लेते हैं। मुझे सोल कैंप फायर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नॉर्मल कैंप फायर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शायद डैमेज भी ज़्यादा दे मॉब को, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। चलो ब्लॉक लेते हैं और इसको कवर करते हैं। सो गाइस, इसके ऊपर ही हमारा पूरा जो फार्म बनेगा इसके ऊपर ही बनेगा। नीचे जो कलेक्टिंग सिस्टम मैंने बनाया ये काफ़ी नहीं है, मैं बाद में इसको चेंज करके बड़ा कलेक्टिंग सिस्टम बना दूंगा, जिससे बहुत ढेर सारी चेस लगेगी, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलो मैंने फाइनली बना दिया इसको चारों तरफ से कवर करके, और नीचे भी 1-2 स्लैब लगा देता हूँ, जिससे कोई भी मॉब्स इधर से किस स्किप करके भागे ना। और थोड़ा बहुत जो मेरे पास इन्वेंट्री में रॉटन प्लस था वो इस चेस्ट में डाल दिया। और ऊपर जाके हमें हर एक साइड को 7 ब्लॉक ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब चारों साइड 7 ब्लॉक ऐसे करके जाना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। सो
सो ऑल राइट गाइस, मतलब दो साइड मैंने बना दिया और चारों साइड बना के हमें इसको जोड़ना भी पड़ेगा, और मेरे पास ब्लॉक की बहुत कमी हो गई थी इसीलिए मैंने इंडेक्स खोल के लगा लिया, क्योंकि इंडेक्स इसी काम के लिए ही बनाया, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री हमेशा खुल रहता है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर मैं कुछ बड़ा चीज़ बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं इसको इंडेक्स को बनाया था। और इंडेक्स को वापस उठाने के लिए सिल्क टच पिकस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने सिल्क टच पिकस बहुत आगे ही बना लिया था, मैंने तुम लोगों को दिखाया नहीं, सिर्फ फॉर्चून 3 को ही दिखाया था, क्योंकि फॉर्चून 3 बहुत ही ज़्यादा कूल है सिल्क टच से भी। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं लग रहा तो ऐसे लगा देंगे। सो गाइस, मैंने पूरा लगा के रेडी कर दिया, अब एक टेम्पोरे ब्लॉक लगा के साइड पूरे साइड को कवर कर देता हूँ। सो गाइस, अब अगर हम तुम लोगों को मतलब समझ में नहीं आया तो मैं पूरी तरह से बता देता हूँ, हमें एक उस टाइप की मतलब जो कलेक्टिंग सिस्टम बनाया है उसके ऊपर सात सात ब्लॉक के हर साइड को एक्सटेंड किया, उसके बाद पूरे जगह को मैंने फिल कर दिया ब्लॉक से, और मैं इधर आया हूँ ढेर सारे लीव ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए, और मेरे ख्याल से इतना लीव ब्लॉक अभी के लिए काफ़ी होगा, लेकिन और भी ले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लीव ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल राइट, लीव ब्लॉक की हमें ज़रूरत थी इस जो टेम्पररी मतलब साइड में जो वॉल टाइप बनाया था उसके ऊपर डालने के लिए, क्योंकि अगर सारे मॉब अंदर स्पॉन हो बाहर नहीं, तो लीव ब्लॉक के ऊपर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होते, इसीलिए मैंने लीव ब्लॉक का यूज़ किया, और मैं फार्म के अंदर ही एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया, और इस पूरी जगह को एक वाटर फ्लो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मॉब कहीं पर भी स्पॉन होता है लेकिन उस सारे मॉब को हमें उस कैंप फायर के ऊपर धकेलना पड़ेगा, इसीलिए हमें कुछ इस तरीके से चारों कॉर्नर पर पानी देना पड़ेगा। और मैं बताना भूल गया कि चारों कॉर्नर पे एक एक करके ब्लॉक भी लगाना होगा तुम लोगों को, नहीं तो वो वाटर सही से फ्लो नहीं होगा। सो ऑल राइट, चारों तरफ लगाने के बाद हमें जो साइड के एरिया बन रहे उधर भी हमें पूरा का पूरा वाटर फुल करना पड़ेगा गाइस, तो जल्दी जल्दी कर लेते, दिखा देते तुम लोगों को जो ब्लॉक था उसके एक ब्लॉक छोड़ के बस हमें इस तरीके से सारे पूरी जगह पर मतलब वो पूरी वाटर सोर्स से फिल कर देना होगा गाइस, और ये करने में थोड़ा तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कहीं पर छूटे ना और वाटर के फ्लो की वजह से तुम नीचे ना गिर जाओ। सो ऑल राइट गाइस, मैंने इसको पूरा फुल्ली कंप्लीट कर दिया, और मैं एक छोटा सा गलती किया जिसके कारण सारे कैंपेयर बुझ गया था, मैं गलती से गलत जगह पानी डाल दिया था इसलिए पानी नीचे चला गया और कैंपेयर बंद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैंपेयर को दोबारा से जला दूंगा, उसका चिंता मत करो। और मैं नीचे ब्लॉक से दो ब्लॉक ऊपर आके मतलब तीन ब्लॉक ऊपर आके चारों तरफ से सात सात ब्लॉक लगा दे रहा हूँ, सात सात ब्लॉक इसलिए क्योंकि पानी आठ ब्लॉक तक ट्रेवल करता है, अगर मिडिल वाले ब्लॉक को छोड़ दिया तो सात सात ब्लॉक तक जाएगा अगर मिडिल पर हम लोग पानी डालें तो। सो गाइस, ऐसे काउंट करके करते करते मैं इसको लगा रहा हूँ, इसको थोड़ा बहुत काइंड ऑफ मुश्किल है समझना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं इस जो प्लेटफॉर्म बना है नीचे उससे तीन ब्लॉक ऊपर आना होगा, उसके बाद चारों तरफ से सात ब्लॉक जाना होगा। चलो जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिल भी करना है, लेकिन फिल करने में भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट है तुम लोगों को बताते हैं। सो गाइस, तुम लोगों को फिल कुछ इस टाइप से करना होगा जो लास्ट वाला एक ब्लॉक छोड़ के तभी तुम लोग एक मतलब शेप बना दोगे जिससे वाटर फ्लो होगा, एक एक ब्लॉक हमेशा छोड़ दोगे, ठीक है। ऐसे करके तुम लोगों को देखोगे जो बढ़िया तरीके से बन जाएगा। शायद मैंने उधर एक गलत ब्लॉक लगा दिया था, मतलब नहीं था, कोई बात नहीं, इधर एक ब्लॉक लगा देते हैं और उसके बाद उधर भी एक ब्लॉक लगा देते हैं। मैं चेक कर रहा था कि इस कहीं पर भी गलत तो नंगा लगा दिया नहीं। सो गाइस, उस काम को करने के बाद हमें उसके ऊपर सारे को सारे कार्प फोल्डिंग लगाना पड़ेगा, और इस कार्प फोल्डिंग को बनाने के लिए मुझे बैम्बू और स्ट्रिंग की ज़रूरत थी, और मेरे पास
स्ट्रिंग तो मैंने कलेक्ट कर लिया और बैम्बू तो पहले ही से ही था, मतलब वो जो एक बार एक्सप्लोर करने गया था ना तभी मुझे जंगल से बैम्बू मिल गया था और मैं बैम्बू को इधर आके एक बार लगा दिया था तो बहुत ज़्यादा बैम्बू हो गया था, तो इसलिए मुझे कारपोल्डिंग की बहुत मतलब ज़्यादा ये नहीं लगा। और पूरा कवर करने के बाद जो मिडिल वाले ब्लॉक है उसके ऊपर एक पानी डालना होगा और मिडिल वाला ब्लॉक को पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद एक स्कारपोल्डिंग उधर भी लगा देना होगा। देख सकते हो अगर पूरे तुम लोग सही बना दोगे तो वाटर का फ्लो किनारे पे जाके रुक जाएगा, नहीं तो नीचे वाटर गिरेगा अगर तुम लोग सही से नहीं बनाओगे तो। और ऊपर भी हमें एक और इस टाइप से एक और प्लेटफॉर्म भी बनाना होगा ठीक उसी प्रकार, और मिडिल वाले जो ब्लॉक होगा उस पर ऊपर एक ब्लॉक टेम्पररी ब्लॉक लगा देना जिससे तुम लोगों को समझ में आए। कुछ इस टाइप से तुम लोग कर सकते हो, मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया, अगर तुम लोग मेरी बातें समझ नहीं आए तो वो ऐसे देख के भी तुम लोग बना सकते हो। सो गाइस फाइनली एक और मतलब ऐसे करके हम लोग 10 लेयर मतलब 10 लेयर तक बना दिया, और 10 लेयर सबसे अच्छा होता है, और उसके ऊपर लास्ट वाला लेयर को भी कंप्लीट कर दिया। अब इसके ऊपर हमें इसको मतलब नीचे अंधेरा करना होगा, अंधेरा करने के लिए हमें इसकी इस ब्लॉक के ऊपर मतलब इस ब्लॉक के ऊपर मुझे एक बड़ा छत टाइप बनाना होगा, तो छत टाइप बनाएंगे सेम ही तरीके से लेकिन हम लोग हर एक साइड को 6-6 ब्लॉक एक्सटेंड कर देंगे और उसी प्रकार से इसको बना देंगे। ये रहा 7 ब्लॉक तक आ गया है, इसके बाद हम लोग 6 ब्लॉक तक और भी आगे जाएंगे और उसके बाद उसी सेम प्रोसेस से इसको पूरा फिल कर देंगे। सो गाइस तुम लोग देख ही सकते हो अगर इस टाइप से हम लोग आएंगे तो इस फार्म को बनाने के लिए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम लोग ध्यान से अपने सब कुछ सामान कलेक्ट करके लेके आना, नहीं तो मेरी तरह फिर से तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा और ऊपर से सब कुछ लेके आना पड़ेगा। सो गाइस पूरी प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद हमें उसके ऊपर पूरी तरीके से लीप लगा देना होगा क्योंकि लीप ब्लॉक के ऊपर स्पॉन नहीं होते कोई भी मॉब, और अगर छत पे सारे मॉब स्पॉन हो जाएगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा और जिससे फार्म वर्क नहीं करेगा। सो गाइस पूरी इलाके में फाइनली लीप ब्लॉक मैंने लगा दिया है, इधर एक लीप ब्लॉक बन गया था, कोई बात नहीं मेरे पास लीप ब्लॉक है, तुम लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एक ब्लॉक गलती से लगा दिया, कोई बात नहीं तोड़ देते हैं। चलो गाइस अब नीचे चलते हैं, और तुम लोग नीचे जाने के लिए थोड़ा बहुत देख लेना नीचे कोई कहीं पर अगर पानी है तो बढ़िया, नहीं तो मेरी तरह से एक ये वाला मतलब सीढ़ी टाइप बना लेना पहली जिससे तुम लोग आसानी से नीचे गिर सकते हो, नहीं तो नीचे गिर के तुम लोग मर जाओगे अगर ऊंचाई से तुम लोग गिर जाओगे तो। चलो जल्दी से नीचे जाके तुम लोग को चेस्ट दिखा देते हैं कितना लूट प्रोड्यूस होता है। सो गाइस मैंने आके देखा तो जो मैंने पहले गलती करके रखा था उस कैंपर को जलाने का वो जलाया नहीं था, इसलिए मुझे इसको तोड़ के फिर से लगाना पड़ेगा। और मैं सील टच स्पीकर से तोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर नॉर्मल किसी से तोड़ूंगा तो एक कैंपर टूट के सिर्फ कोल ही मिलेगा, और देख रहे हो कितना सारा मॉब स्पॉन हो रहा है, इन सभी को भी मारना भी पड़ेगा तब जाके कैंपर को तोड़ पाएंगे हम। सो ऑलराइट गाइस मैंने पूरा कैंपर लगा दिया, अब जितना भी मॉब आ रहे हैं वो चल के ऐसे ही मर जाएगा और हमें उसका लूट मिल जाएगा। सो ऑलराइट गाइस तुम लोग ऐसे ही करते तुम्हारे सर्वाइवल वर्ल्ड में ये वाला फार्म बना सकते हो, और इतना तक जो भी देख रहे हो दिल से शुक्रिया मेरे भाई।